मधुपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैथी प्रांगण पर रसोइयों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता धीरज मिश्रा ने की। पुलवामा हमले में शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए बैठक का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात रसोइयों ने अपनी समस्या को बारी बारी से रखा। लगातार 15 वर्षों से सेवा का परिणाम शून्य के बराबर है। 32 रुपए प्रतिदिन के दैनिक मानदेय पर कार्य, इस महंगाई के समय में 1000 रुपए माहवार की क्या औकात। 6 घंटे जी तोड़ मेहनत के बाद 32 रुपए की दैनिक मजदूरी, जबकि बाजार से रोज सामान लाने से लेकर चूल्हे की लकड़ी काट कर लाने तक का काम रसोइया करता है। अधिकांश स्कूलों में सिलेंडर का अभाव है, जहां है भी वहां समय से नहीं मिलता। कभी प्रधानाध्यापक की तो कभी प्रधान की खरीकोटी सुनने को मिलती रहती है। ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, असहाय है, तभी तो अध्यापक और बच्चों का जूठन धोने का कार्य करते हैं। नाम है आपका? विमला देवी। रसोइया हैं आप? किस विद्यालय में खाना बनाती हैं? धुरिया विद्यालय में। आज क्या समस्या है कि यहाँ पे आप लोग बैठक किए हैं? समस्या सारी है हा, कि 1000 से रसोइयन का काम नहीं चल पावत, खर्चा नहीं चल पावत। 5000 से कम न हो के चाहिए। रसोइया इतना पूरा दिन बिता ले जाते हैं स्कूल में, चारी ओर का समस्या लेकर बैठल भाई, इतना रिक्सी काम सर भाई रसोइयन का, कोनो गलती हो जाती रसोइया पकड़ा जी हाँ, और एक बाद में तो रसोइयन का वेतन नहीं बढ़त, और कैसे अपन बाल बच्चा रसोइया चला सकनी, कैसे पढ़ाई लिखा सकनी, कैसे खियाई पहरा सकनी, कैसे अपन खर्चा चला सकनी। 1000 में कैसे मोदी सरकार खर्चा चलवावता, कभी विधान से ही काम करवावता, समय से वेतन नहीं मिलत, 6-6 महीना में फार्म भरा था रसोइयन का, ये क्या बात बा। रसोइया मतलब सबले बेगर बेरथ वही। अगर वेतन नहीं बढ़ता है तो क्या करेंगे आप लोग? खाना बंद कर देंगे। खाना बनाना बंद कर देंगे? खाना ना बन पाए स्कूल पर, रसोइया ना बनाए पाए। तो अकेले बंद करेंगे कि सारे लोग बंद? सारे लोग बंद कर दिए रसोइया, केहू खाना ना बनाए पाए स्कूल पर। पर इसके बदले इन्हें क्या मिलता है? 32 रुपए की दैनिक मजदूरी, इतने में इनके बच्चों को छोड़िए इनका खुद भी जीवन यापन नहीं हो सकता। ऐसे अपमानजनक कार्य से त्रस्त रसोइया ने मानदेय ना बढ़ाए जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। श्यामलाल, क्या करते हैं सर? रसोइया है स्कूल के। स्कूल के रसोइया है जी। खाना बनाते हैं जी? किस विद्यालय पे? बोहरा में और हवा टोला में आते हैं। आज यहाँ पे बैठक की गई है सर, क्यों की गई है? यही रसोइयों की बैठक की गई है सर, इसीलिए कि मतलब तनख्वाह समय से नहीं मिलता है और 32 रुपए मिलते हैं रोज, 32 रुपए में तो काम चलेगा नहीं। कम से कम सरकारी जो दैनिक मजदूरी है वो तो मिलनी चाहिए हम लोगों को, वे भी समय से नहीं मिल पाता है। समय समय से मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी तो बाल बच्चे वाले हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी बाल बच्चे पढ़ने लिखने के समय भी पैसा नहीं मिल पाता है। कितना चाहते हैं सर? 32 रुपए को बढ़ा के कितना सरकार करे तो आप लोगों का? लोग तो चाह रहे हैं कम से कम 5000 तक तो हो ही जाए महीने में। 5000 जी। और कोई समस्या आप लोगों की? समस्या है कि स्कूल पर काम ज्यादा लिया जाता है और गैस सिलेंडर भी नहीं मिलता है। प्रधान गैस सिलेंडर भी नहीं देता है, लकड़ी देते हैं, वो भी लकड़ी देता है कि फार। कैथी विद्यालय पे रसोइयों ने बैठक करके आंदोलन की रणनीति बनाई। इनकी प्रमुख समस्याएं वेतन बढ़ोतरी के लिए ये खानाबंदी का कार्य करने वाली हैं। अगर जल्द ही सरकार इन पे ध्यान नहीं देती है, ये सारे रसोइयाँ अपने अपने कार्य से छुट्टी लेने वाली हैं, जिससे सरकार को काफ़ी मुश्किलें आएंगी। इनकी और समस्याओं में इनका कहना है कि हर वर्ष इनका नवीनीकरण किया जाता है, जो कि सर्वथा गलत है। और रसोइयों का कहना है कि जिनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं उनको कार्य से विरक्त कर दिया जाता है, ये भी गलत है। सबसे मज़ेदार बात, एक कुशल मजदूर की मजदूरी 32 रुपये, ये शायद सरकार की गलत नीति है। अगर सरकार चाहती है सबका साथ सबका विकास, सरकार ये चाहती है कि ये रसोइयाँ भी सबके कदमों के साथ कदम मिला के चलें, तो ज़रूरी है कि इनके वेतन पे ध्यान दें, इनके वेतन को समय से इनके खाते में लगाएं। इनका वेतन अभी तक ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक के ज्वाइंट खाते में आता है, जो कि सर्वथा गलत है। मेहनत करें ये, और वेतन के लिए दर बदर ठोकरें खाना पड़े, लोगों के बातों को सुनना पड़े, ये गलत है।
अगर सरकार इनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है तो सर्वप्रथम इनके वेतन का, इनके मानदेय का बढ़ोतरी करना जरूरी है। कम से कम 150 रुपये प्रतिदिन का कार्य इनसे कराया जाए, दैनिक मजदूरी इनको 150 रुपये प्रतिदिन दिया जाए और इनके कार्यों का निर्धारण किया जाए कि इन्हें विद्यालय में आने के बाद क्या क्या करना है। अभी यही क्लियर नहीं कि इन रसोइयों को खाना बनाना है कि फील्ड की सफाई करनी है कि बर्तन धोना है कि अध्यापकों और टीचरों की सेवा करनी है, इनके कार्यों का निर्धारण किया जाए। क्या आप लोग सहमत हैं? अगर आप लोगों का वेतन नहीं बढ़ता है तो आप लोग अपने अपने कार्य को बंद कर देंगे? एक बार जोर से बोलिए, रसोइया संघ जिंदाबाद, रसोइया संघ जिंदाबाद।